दोस्तों के साथ मिलना हो या त्योहार हो, मीठे के बिना तो सब अधूरा है। हेलो एंड वेलकम टू होम मेड हैप्पीनेस विद मनीषा। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि सिर्फ 1 कप दूध और आधा कप सेवई से हमने इतनी सारी क्रिस्पी रबरी बाइट्स भी बना ली और साथ ही में ये डिजर्ट कप्स भी। बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। हमने इसमें सिर्फ 5 मिनट में एकदम गाढ़ी दानेदार रबड़ी बनाई है जिसे आप खाकर हमेशा ऐसी ही रबड़ी बनाना पसंद करेंगे। तो आइए हम फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको मैसेज मिल सके। तो आइए झटपट से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, जो रेगुलर दूध आता है हमारे घर में वही लिया है मैंने। दूध गर्म होना शुरू हो उससे पहले ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है, ये फीका है, इसमें कोई चीनी वगैरह एडेड नहीं है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और दूध हमारा धीरे धीरे से गर्म होने लग गया है। हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना हो। और फिर मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच चीनी। मैंने इसको अच्छे से भर के डाल दिया है 1 चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है इसलिए मैंने 1 ही चम्मच डाली है। दूध को गर्म करते हुए मुझे 1 मिनट करीब हो गया है। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं थोड़ी सी केसर ले रही हूँ और इसमें ये गर्म दूध डाल रही हूँ केसर के धागे में और उसको भिगा के छोड़ दूंगी। दूध को मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है। अब वो चीज़ रेडी कर लेते हैं जो रबड़ी को बनाएगा एकदम गाढ़ी और दानेदार। ये है ब्रेड। मैंने आधी स्लाइस ली है ब्रेड की और उसे मैं मिक्सी जार में डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे हाथ से भी चूर के इसको डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सी में डालने से ये एकदम इकसार हो जाएगी, एकदम फाइन हो जाएगी। तो मैंने इसको मिक्सी में एक बार बस पल्स मोड पे चला दिया था। ये देखिए एकदम बढ़िया सा ये दानेदार सा इसका टेक्सचर आया है। अब ये ब्रेड मैं दूध में डाल रही हूँ, इससे हमारी रबड़ी एकदम गाढ़ी और दानेदार बनेगी और एकदम फटाफट से रेडी होगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। दूध को मैं 3 से 4 मिनट तक ऐसे कुक होने दूंगी, बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और ये देखिए धीरे धीरे से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने ब्रेड डाला इसका टेक्सचर गाढ़ा होने लग गया है, बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाती है। हार्डली इसमें मुझे 2 मिनट हुए हैं कुक करते हुए इसको और ये गाढ़ी होने लग गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता लिया है 3 से 4 बड़े चम्मच। इसको भी मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा और इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही में थोड़े से इलायची के दानों को कूट कर डाल दिया है इसमें और जो हमने केसर भिगा के रखी थी वो भी रेडी हो गई है। तो ये केसर वाला दूध भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि रबड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है क्योंकि जब हम ठंडी करेंगे तो ये फिर और भी गाढ़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है ये ऑलरेडी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी मैं इसमें दूध वगैरह नहीं मिलाऊंगी। मैं बाद में जब ज़रूरत होगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम इसमें दूध एडजस्ट कर सकते हैं। रबड़ी हमारी रेडी है, मैं इसे ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे पहले दिन भी बना के रख सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट डे चाहिए। अब हम सेवई से बनाएंगे छोटी छोटी बास्केट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये पतली वाली जो लंबी सेवई आती है मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती है, मैंने ये वाली सेवई ली है। मोटी वाली से ये नहीं बन पाएगी, ये पतली सेवई से ही हम बनाएंगे। ऐसे पैकेट्स में आती है ये और मैंने रोस्टेड वाली ली है। तो आप रोस्टेड वाली लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसको छोटे पीसेस में ब्रेक कर रही हूँ। मैं एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसको एकदम क्रश करके छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी। ये देखिए हमारे पीसेस रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी कम हो गई है, ये अराउंड 1/2 कप केक जितना है। एकदम ऐसे फाइन छोटे पीसेस में आप इसको बना के तैयार कर लें। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच घी। घी में मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। वैसे ये रोस्टेड है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमें इसे 3 से 4 मिनट ही भुनना है ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। इसमें कोई भी मॉइस्चर हो तो वो निकल जाएगा। मुझे इसे भुनते हुए 2 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 छोटे चम्मच कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क इसको थोड़ी सी बाइंडिंग देगा ताकि हम इसको बास्केट की शेप दे पाएँ। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप 1 से 2 छोटे चम्मच दूध ले लें और उसमें डाल दें थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ी सी चीनी और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। वो एक थोड़ा सा स्टिकी सा एक घोल बन जाएगा तो आप उससे इसको बाइंड कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप देख लें कि ये हल्का सा स्टिकी हो गया है तो फिर
आराम से ये शेप को होल्ड कर लेगा। तो मैंने इसको अभी फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसको निकाल रही हूँ एक बोल में। हमें इसे एकदम ठंडा नहीं करना है, हल्के वॉर्म में ही हम इसे शेप देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा एक कटोरी के जितनी सेवई निकाल के रख ली है हमारे डिज़र्ट कप्स के लिए, और बाकी की मैं बास्केट्स बना लूँगी। इसके लिए आपके घर में कोई भी छोटी साइज़ की कटोरी या बोल हो, या फिर ऐसे चॉकलेट के कप्स आते हैं वो हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं शेप देने के लिए। और साइज़ भी आप अपनी चॉइस से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मुझे छोटे छोटे मिनी साइज़ पसंद है, मैंने बाइट साइज़ बनाया है। तो ये मैंने इस पर क्लिंग रैप इसलिए लगा लिया है ताकि ये इस पर चिपके नहीं, बहुत ईजिली हम इसको निकाल पाएँ इसमें से। तो मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, तो मैंने इस ये वाले कप्स जो हैं वो यूज़ कर लिए हैं। बस हल्का सा हाथों में, उंगलियों में मैंने पानी लगा लिया है ताकि जो सेवई है वो उंगलियों में चिपके नहीं जब हम इसको शेप करेंगे। तो बस ऐसे ही मैं इसको प्रेस करते हुए इसकी शेप दे रही हूँ। आप ऐसे इसे शेप दे के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। जैसे ही हम इसको 15 मिनट के लिए भी फ्रिज में रखेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मैं आपको एक बार निकाल के दिखाती हूँ क्लिंग रैप में से, ये बहुत ईजिली बाहर आ जाता है। अभी थोड़ा सा डेलिकेट है तो आपको इसका थोड़ा सा शेप फिक्स करना हो तो आप फिक्स भी कर सकते हैं। और वैसे ही मैं सारे मोल्ड्स में बना के रेडी कर लूँगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटी कवरिंग ना बनाए। बहुत ज़्यादा अगर मोटा बना देंगे ना तो रबड़ी का टेस्ट कम आएगा और ये बेस का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। और बेस जो सेंटर है ना वो थोड़ा सा मोटा रखें, बाकी साइड्स थोड़े से पतले रखें इसके, तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगी। और थोड़े जो किनारे हैं वो थोड़े ऊंचे नीचे होंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा एकदम यूनिफॉर्म करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आएगा बास्केट जैसा। तो ये देखिए ऐसे ही मैंने बड़े मोल्ड में भी बनाया था, ये ऐसे बड़े बड़े बन जाएंगे। आपकी चॉइस है, आपको बड़ा या छोटा जो भी साइज़ में बनाना हो आप इसे बना सकते हैं। ना इसमें कोई फ्राइंग करने का चक्कर है, ना बेकिंग का, ना कुकिंग का। बहुत इजीली ये कप्स बना के आप रख सकते हो, आराम से इसे 1 वीक तक भी आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। तो मैंने सारे मोल्ड्स बना के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गए हैं। आप इसे बना के पहले भी रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और फिर अब हम इसमें रबड़ी फिल करेंगे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली हार्ड हो गए हैं, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये रबड़ी हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है मगर काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। मैंने टोटल इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच दूध डाला है। हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी गाढ़ी ही चाहिए रबड़ी। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ऐसी ही हम रखेंगे। अब हम फटाफट से इसको असेंबल करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस ये थोड़ी थोड़ी सी रबड़ी हम इस मोल्ड्स में डालते जाएंगे। बेस तो जितना सुंदर लग ही रहा है मगर रबड़ी का भी आप टेक्सचर देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम दानेदार बढ़िया सी रबड़ी। ये कोई बोल ही नहीं सकता कि सिर्फ हमने इसे 5 मिनट में ही बनाया है। और इसकी क्वांटिटी भी आपने देखी कितनी सारी बन गई है। मैं अभी ये सारी बाइट्स रेडी कर लूँगी और जो हम डिज़र्ट कप्स बनाने वाले हैं वो भी बनाने के बाद भी मेरी रबड़ी काफ़ी सारी बच गई थी। और इसे सिर्फ हमने 1 कप दूध से ही बनाया था और वो भी जस्ट 5 मिनट में। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़े से भीगे हुए बादाम की, मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर लिए थे, थोड़ा सा मैंने लिया है पिस्ता, और इन सब से हम इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे। अब लगा रही हूँ छोटी छोटी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ। आँखों से ही तो खाएंगे हम पहले, देखने में भी तो मज़ेदार लगनी चाहिए। अब केसर वाला दूध भी डाल दिया, थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ भी डाल दी। ये लीजिए हमारी एकदम बढ़िया सी क्रिस्पी रबड़ी बाइट्स, नीचे से एकदम क्रिस्पी, ऊपर से सुपर क्रीमी, बहुत ही टेस्टी। आप इसको एक बार खाएंगे तो आपका मन ही नहीं भरेगा। मैंने छोटी छोटी बाइट्स बनाई इसीलिए कि हम अक्सर पार्टीज़ में बहुत सारी वैरायटी होती है तो हम एक मीठा कुछ खा लेते हैं तो हम फिर दूसरा ट्राई ही नहीं करना चाहते। इसलिए आप छोटी छोटी बनाएं, 1 की जगह 2 खाएं, 3 4 जितनी भी खाएं, हर बाइट में लगेगा कि यार अभी तो मन नहीं भरा, एक और हो जाए। तो क्रिस्पी रबड़ी बाइट्स तो रेडी है, अब हम बनाते हैं सेवई डिज़र्ट कप्स की भी। पार्टीज़ में बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि छोटे छोटे पोर्शन में बनाते हैं हम, ये बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में भी। मैंने आधा कप यहाँ पे लिया है व्हिपिंग क्रीम, जो हम केक वगैरह में यूज़ करते हैं वो क्रीम है ये। आपको अगर नहीं मिले तो आप अमूल की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। हम इससे बनाने वाले हैं रबड़ी मूस। तो मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो आप हैंड विस्कर से भी इसको कर सकते हैं। तो बस इसमें स्टिफ पीक्स आ जाएंगे, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ये देखिए ऐसी हो जाए कंसिस्टेंसी क्रीम की। तो क्रीम हमारी रेडी है।
ये क्रीम बहुत ज़्यादा है, मैं हाफ कप में से, ये जो रेडी हुई है 1 कप हो गई है बीट करने के बाद, तो मैं इसमें से आधा कप क्रीम निकाल के रख रही हूँ। ये विप की हुई, ये बहुत सारे डिज़र्ट्स में आप काम में ले सकते हैं, तो मैं इसको निकाल के एयर टाइट बॉक्स में डाल के रख लूँगी। और बाकी की जो हाफ कप क्रीम है, विप्ड क्रीम, उसमें मैं डाल रही हूँ रबड़ी। मैंने कम से कम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब डाल दिया है रबड़ी का। ये रबड़ी अभी भी आप देख सकते हैं कि बच ही गई है, काफ़ी सारी क्वांटिटी बन गई थी 1 कप दूध से। एक बार हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें अब डाल रही हूँ केसर वाला दूध। मैंने 8 से 10 धागे केसर के भिगा के रख दिए थे, वो इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं बीटर की हेल्प से इसको एक बार हल्का सा बीट कर लेती हूँ ताकि ये स्मूथ हो जाए। अगर आप रबड़ी मूस नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको कस्टर्ड के साथ भी असेंबल कर सकते हैं। थोड़ा सा कस्टर्ड बना लें और उसमें फिर डाल दें हमारी रबड़ी और उसको मिक्स करके, और उसमें भी हम असेंबल कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट और टेक्स्चर दोनों में। अब मैंने जो सेवई बचा के रखी थी उसको डाल रही हूँ इन कप्स में। ये कप्स बहुत इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इसमें पोर्शन साइज़ भी कम होती है और देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें सेवई डाल के हल्का सा इसको प्रेस कर लिया है। किसी भी बेलन या मडलर से आप इसको कर सकते हैं। और फिर हम डालेंगे हमारा रबड़ी मूस। इसको मैं अच्छे से 2 से 3 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम स्मूथ क्रीमी सा, और बहुत ही बढ़िया इसका रबड़ी के साथ टेस्ट आता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। और ये मैंने सारे कप्स में डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बाइट और टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ छोटे छोटे से चॉप करके मैंगोज़। मैंगोज़ का सीज़न है तो मैंने मैंगोज़ डाल लिए। आपके घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे हल्की सी बाइट आएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब मैं इसके ऊपर में डाल रही हूँ थोड़ी सी सेवई जो हमने रखी थी, उससे उसको पूरा अच्छे से हम कवर कर लेंगे। आप किसी भी तरह से, आपको जैसे मन हो वैसे आप इसको गार्निश कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने इसको सेवई कप्स बनाया है इसलिए मैंने सेवई से ऊपर टॉप कर दिया है इसको। और फिर साथ में अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। थोड़ी सी जो हमारे रबड़ी मूस थी उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है और उससे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर इसको गार्निश किया है थोड़ा सा बादाम, पिस्ते और गुलाब की पंखुड़ियों से, जैसे हमने रबड़ी बाइट्स को किया था सेम वे में हम इसको गार्निश कर रहे हैं। आप अपनी चॉइस से गार्निश कर सकते हैं। और मैं साइड्स में भी थोड़ा सा डाल रही हूँ केसर वाला दूध, जिससे सेवई जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। बस ये हमारे डिज़र्ट कप्स रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।